दैनिक परमार्थ आवाज अब नए अवतार में। परमार्थ आवाज डिजिटल न्यूज चैनल, राजनीति से रोजगार तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, आपके साथ सच की बात परमार्थ आवाज पर। आप हमें हमारे वेबसाइट www.parmarthawaz.com पर भी विजिट कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी देख सकते हैं। एसओ ने युवती को दी धमकी, बर्बाद कर दूंगा। आपको बता दें, खबर जौनपुर अंतर्गत है। जलालपुर में दबंगों ने थानाध्यक्ष के साथ मिलकर किया जमीन पर कब्जा कराने का प्रयास। घना दें शराब व्यापारी के प्रभाव में है। अपनी कार्यशाली को लेकर अक्सर खाकी वर्दी बदनाम होती रहती है। वर्दी की मर्यादाओं और वसूलों से खिलवाड़ उसके पहनने वाले ही करते हैं। जलालपुर थानाध्यक्ष पर पीड़ित युवती ने कई गंभीर आरोप मारा। आपको बता दें, विदित हो कि थाना जलालपुर ग्राम राजपुर निवासी पीड़िता जनक सिंह ने गांव के ही राधश्याम जसवाल पुत्र स्वर्गीय लालजी जसवाल व पड़ोसी नीरज बेनवंशी पर तथा विशाल बेनवंशी पुत्र स्वर्गीय दरगाही बेनवंशी, जो दबंग किस्म के लोग हैं। राधश्याम जसवाल शराब व्यवसायी है और अपराधी किस्म का इंसान है। व्यापारी कई मुकदमों में नाजमत भी है। नीरज बेनवंशी और विशाल राधश्याम जसवाल के साथ मिलकर सभी प्रकार के अवैध कारोबार को पुलिस की संरक्षण में किया करता है। थाने के कारखास सिपाही धर्मेंद्र सिंह के सहयोग से प्रशासन में काफी पकड़ है। आपको बता दें, और अपनी दबंगई और सिपाही धर्मेंद्र सिंह के बल पर कई बार जन्नत की जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर चुके हैं। घटना 19 सितंबर, समय लगभग 1 बजे दिन की है, जब पीड़िता अपने घर पर मौजूद थी। तभी उक्त राधश्याम जसवाल, नीरज बेनवंशी तथा विशाल बेनवंशी थानाध्यक्ष जलालपुर रामसरी गौतम तथा पास से 6 सिपाहियों के साथ पीड़िता के घर पर आए और पीड़िता की बेनामाशुदा जमीन पर जबरदस्ती खंडजा नीरज बेनवंशी के पक्ष में बिछवाने लगे। पीड़िता ने विरोध किया और लेखपाल की रिपोर्ट भी दिखाई, किंतु धनबल के प्रभाव में नहीं माने और थानाध्यक्ष जलालपुर रामसरी गौतम, दबंग राधश्याम जसवाल, नीरज बेनवंशी तथा विशाल ने गालियां देते हुए प्रार्थनी के घर में जबरदस्ती घुस गए और घर में रखे दैनिक उपयोगी सामान व चारपाई को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। आपको बता दें, विरोध करने पर प्रार्थनी की नाबालिग पुत्री जन्मत तथा जेठ अली रजा को सभी लोग मिलकर बुरी तरीके से लात मुक्का से मारने लगे। जब पुत्री जन्नत जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी तो राधश्याम जसवाल, विशाल और थानाध्यक्ष रामसरी गौतम द्वारा जानबूझकर नाबालिग पुत्री जन्नत 16 वर्ष का पैर, हाथ और कुर्ता पकड़कर खींचने लगे और उसे फाड़कर बेपर्दा कर दिया। जब ग्रामीण जुड़ने लगे तो आतंक और भय पैदा करने के लिए पूरे गांव वालों को गालियां देने लगे। पीड़ित की नाबालिग पुत्री जन्नत को अपनी गाड़ी में जबरदस्ती उठाकर थाना जलालपुर से ले जाकर बंद कर दिया और लात घूसों से पीटकर अधमरा कर दिया और सामूहिक बलात्कार कर जीवन बर्बाद कर देने की धमकी देते हुए थाने से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही थानाध्यक्ष रामसरी गौतम ने राधश्याम व नीरज की पूर्व साजिश में होकर दोनों से भी पिटवाया और जान से मारने की धमकी दिलवाई। अब बता दें, मामले ने जब तूल पकड़ा तो DMSP ने जाँच के आदेश दिए। अब देखना यह है कि जांच में दोषी थानाध्यक्ष पर कार्रवाई होगी या किसी तरह से बचा लिया जाएगा। जौनपुर से मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ सुरेश कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। हमारे मोबाइल में और लोगों के पास जा करके कॉल कॉल करके गाली दे रहा था। कौन गाली दे रहा था? वही एसओ साहब। क्या नाम है इसका? हमें तो नहीं मालूम। थाने के जलालपुर थाना है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अली रजा है, लड़की के बड़े बाप है हम। एसओ साहब सुबह मारे हैं जी? अच्छा, कै बजे? वही लगभग 1 बजे के लगभग सर। मौके पर कल जी हम थे। अच्छा, अभी तक कहाँ रहे हैं? आपके पीछे वो हम, लड़की के पीछे। रोज अभी तक ना लड़की के पीछे।